हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द आयोनिक कोर्स। ये आयोनिक कोर्स में हम सीखेंगे किस तरीके से हम गेट स्टार्टेड हो सकते हैं विद एंगुलर रिएक्ट एंड व्यू। बट मेनली मेरा फोकस रहेगा आयोनिक को आपके साथ पढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसको एंगुलर के साथ में, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कैसे हम इसको रिएक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप पॉपुलर आपकी यही दो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है जो कि सबसे ज्यादा कम्युनिटी पकड़ के बैठी है मार्केट में। अच्छा, आपको आयोनिक सीखने से पहले ये जरूर समझना चाहिए कि ये बेसिकली यूज किस लिए हो रहा है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि आप लिखेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट और आपका HTML, SCSS, SAS, इन सब चीज़ों को यूज़ करके, RxJS, इन सब चीज़ों को यूज़ करके ही आप ये ऐप बनाएंगे। ये एंगुलर का ही आपके इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। बट इससे इसके थ्रू आपका जो कोड कंपाइल होगा उसके लिए आप इसको तीन प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं जो आपका रिजल्ट होगा। किस पे? एक तो आ गया आपका वेबसाइट्स मतलब ब्राउजर्स पे, एक आप इसको एंड्रॉइड मोबाइल, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पर एज ऐप आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा ये एप्पल डिवाइसेस, iOS, iPads सब पे चलेगा। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि मैं इसको एंगुलर के साथ में सबसे पहले यूज करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम आयोनिक के थ्रू अपना जो मोटिव है वो अचीव कर सकते हैं, उससे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आपको पहले एंगुलर या रिएक्ट का जो मेरा सीरीज है उसको जाकर रेफर करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको एंगुलर और रिएक्ट के स्टेट मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, राउटिंग्स बहुत कुछ है, HTTP रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें नहीं अगर आपको पता है इन मॉड्यूल्स के बारे में, तो आपको आयोनिक में जितना भी इन सब बेसिक हमारे फ्रेमवर्क्स एंगुलर रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझना। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, अगर आपको नहीं पता अभी तक एंगुलर और रिएक्ट, पहले आप जाके वो कोर्सेज रेफर करिए, उसको अच्छे से सीखिए, उसके बाद आप आयोनिक पे जंप करना। लेकिन जिन्होंने पहले से एंगुलर रिएक्ट में अपना हाथ साफ कर रखा, उनको अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट सारे, लाइक रिएक्ट में बोलूँ तो यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज ट्रांजिशन, ऑल दिस स्टफ, या फिर प्रॉप्स क्या होते हैं हमारे, या हम किस तरीके से कंपोनेंट्स रहते हैं, कैसे पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट इसमें कम्युनिकेशन रहता है, एक वो राउटिंग किस तरीके से, HTTP रिक्वेस्ट हम कैसे ले सकते हैं, वो सब चीज़ें। एंगुलर में आपका मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स, पेजिनेशन एंड राउटिंग, और आपका HTTP रिक्वेस्ट, इंटरसेप्टर्स हो गए आपके, एंड आपका RxJS का पूरा लाइब्रेरी हो गया इसके अंदर, स्टेट मैनेजमेंट एंड स्टफ हो गया आपका। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, बट कोर इसका कॉन्सेप्ट सेम है कि ये आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन बनेगा जिसमें आप आयोनिक के थ्रू उसको मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे पिला सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहेगा आपका फ्लटर का, जो कि मेरा एक सेपरेट से एक सीरीज है, आप इसको फ्लटर और आयोनिक दोनों ही कॉम्पिटिटर रहेंगे। तो आयोनिक को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए फर्स्ट ऐप ट्यूटोरियल, स्टार्ट विद एंगुलर, एंड उसके बाद में जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, लेट मी जूम इन अ बिट, आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे एक मिलेगा क्रिएटिंग ऐप, हाउ टू क्रिएट योर ऐप विद आयोनिक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आयोनिक CLI इंस्टॉल करना है लाइक दिस। ये वाला कमांड आपको यूज करना है, इसमें आपको यूज करने के लिए कैसे करना होगा, कंट्रोल विंडोज प्लस R दबाइए, लिखिए यहाँ पे CMD, एंड उसके बाद में आप ये कमांड यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, और आपका बस ये आप डॉलर हटा दीजिए, क्योंकि डॉलर ये लोग लिनक्स और मैक ओएस के लिए यूज कर, उसको हटा के आप जब NPM से इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका आयोनिक इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे, बस आपको हिट एंटर करना है। इंस्टॉलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे वो एरर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ये सेपरेट वीडियोस के लिए बना दूंगा मैं। अब उसके बाद में आपको लिखना आयोनिक स्टार्ट और आपके ऐप का नाम, जो आपको ऐप का नाम रखना है। मैं जल्दी से अपने उसमें चले जाऊंगा प्रोजेक्ट फोल्डर में, जहाँ पे मैंने एक आयोनिक फोल्डर रखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आयोनिक स्टार्ट। और जैसे हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले समझने वाले सारे आयोनिक में क्या क्या होते हैं, तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ प्लेग्राउंड। अब आपको कपल ऑफ थिंग्स होती नजर आएंगी कंसोल पे, प्लीज आप यहाँ पे नजर रखना। सबसे पहले पूछता है कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, एंगुलर रिएक्ट व्यू। मैं एंगुलर के साथ में सबसे पहले जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे हिट एंटर,
उसके बाद में स्टार्टर टेम्पलेट, मतलब आयोनिक आपको पहले से कुछ बनी बनाई टेम्पलेट देता है जिसमें आप क्विकली वर्क अराउंड करके गो थ्रू कर सकते हैं, आप अपना ऐप बूट कर सकते हैं। पर अगर मैंने स्टार्टर टेम्पलेट ले लिया तो आपको कंपोनेंट्स उसके समझ में नहीं आएंगे कि वो कैसे बनते हैं, इसलिए मैं ब्लैंक से स्टार्ट करूंगा। एंटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये कुछ कैपेसिटर, कैपेसिटर आपका क्या होता है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे समझा दूंगा कि क्या होता है कैपेसिटर। अब आपका आयोनिक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, और वो चेक करने के लिए आप ये जो आपका ऐप है इसको अगर आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे बंच ऑफ आपको फाइल्स मिलने वाले हैं। अब ये होने दीजिए, इतने में आपको समझाता हूँ कि ये आयोनिक का हम कैसे वॉक थ्रू पूरा लेने वाले हैं इस सीरीज में, किस तरीके से हम एक एक कंपोनेंट का जर्नी पूरा करने वाले हैं। सो आपने एक बार ये कर लिया, उसके बाद में आपको किस तरीके से इसको यूज करना है थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। आप कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कुछ, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूँ तो आपको देख पाएंगे। एक बार रीलोड कर देता हूँ जिससे कि इसके सारे इमेजेस वगैरह सब ढंग से लोड हो जाए। ये जितना भी आपका फ्रेमवर्क रहेगा, रिएक्ट हो गया, आपका व्यू डॉट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, सब नोड जेएस के थ्रू ही पॉसिबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सब जगह पे जितने भी पैकेजेस मैनेज हो रहे हैं वो नोड भी करवा रहा है हमें, नोड पैकेज मैनेजर NPM। सो अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में आएंगे आयोनिक डॉक्स के अंदर, यहाँ पे आपको UI कंपोनेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका इनपुट एक कंपोनेंट हो गया, आपका नोटिफिकेशन एक कंपोनेंट हो गया, आपका अलर्ट एक कंपोनेंट हो गया, कार्ड एक कंपोनेंट हो गया, बटन, चिप्स, चेक बॉक्सेस, डेट और टाइम पिकर जो होते हैं हमारे पास में, बटन्स हो गए और लिस्ट आइटम्स हो गए, ओके, आपका लोडिंग स्पिनर हो गया, रेडियो बटन्स हो गए, तो ये सब हम इसमें एज अ कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जब तक ये लाइब्रेरी होती है, मैं इसको आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड करवा देता हूँ कि किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अलर्ट यूज करना है तो आप अगर यहाँ पे ये प्रीव्यू देख पाएंगे कि iOS पे आपको अलर्ट कैसे दिखेगा इस तरीके से, बट अगर आप इसको एंड्रॉयड में यूज करेंगे तो आपको कैसे दिखेगा। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ओनली विद वन कोड, ओके। तो अभी आप क्या करिए, इसमें आपको मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है अभी तक। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ इसमें हमारे पास में वार्निंग्स भी आ रहे हैं, पर उसका आप चिंता मत करिए, आपको कोई भी कंपाइलर में इसमें CMD में रेड एरर्स नहीं आने चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर आपको वो नहीं आते डेट मींस आपका सारा अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। तो आपका इसमें सबसे पहला मैंने आपको एंगुलर के लेक्चर्स, रिएक्ट के लेक्चर सब में बताया कि नोड पैकेजेस, नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर है उसमें आपके सारे पैकेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके एंगुलर की लाइब्रेरीज, बिकॉज हम एंगुलर यूज कर रहे हैं इसमें, आपका इसमें उसके बाद में हो गया आयोनिक का लाइब्रेरी भी आपका इसमें कहीं इंस्टॉल हुआ होगा। लेट मी चेक, आयोनिक का आपका स्टार्ट होएगा विद IGHI। देखिए आपके पास में आयोनिक के आइकन्स हुए हैं और कुछ इसमें नोड पैकेजेस के सारे मॉड्यूल्स हो जाएंगे इसमें आपके इंस्टॉल, एंड साथ ही साथ इसमें आपका आयोनिक का भी पूरा का पूरा जो कोड इन्होंने बनाया होगा अपने इंटरनली। यहाँ पे आप अगर आप लिखेंगे यहाँ पे आयोनिक तो देखिए आपको आयोनिक का भी यहाँ पे सारा का सारा टूल किट्स डाउनलोड हुआ है। 148 पैकेजेस आपके ऐड हो गए, तो इस तरीके से इसने अपने आयोनिक के सारे पैकेजेस इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं। लेटर आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका फाइल स्ट्रक्चर एक बार समझा दूंगा कि कौन सी फाइल क्या काम करती है, ओके, बिकॉज इसकी फाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्फ़िगरेशन ही आपका ऐप बनाता है, किस टाइप से आपको क्या ऐप होना चाहिए। अब जैसे कि मेरी सारी फाइल्स इंस्टॉल हो गई है, एक बार मैं आपको बूट करके दिखा देता हूँ कि आपका ऐप दिखेगा कैसे। बूट करने के लिए आपको आपके सारे आयोनिक के कमांड्स आयोनिक से सीखेंगे, आप लिखे आयोनिक CRVE सर्व, सर्व मतलब मुझे मेरा वेब पेज दिखाओ, सर्व करो। जैसे मैं एंटर करूंगा या फिर रन इन ओके, आपको सबसे पहले आपको जो ये प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके अंदर आपको CD करना पड़ेगा, प्ले ग्राउंड, मतलब आपको उस डायरेक्टरी में आना है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब आप देखिए मैं अपने उस डायरेक्टरी में आ गया हूँ, पहले मैं आयोनिक फोल्डर में था, पर मेरा आयोनिक के अंदर भी ये वाला फोल्डर है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है।
अब मैं यहाँ पे अगर करूंगा एनजी आयोनिक सर्व, हिट एंटर, तब आप देखेंगे आयोनिक सर्व चल रहा है और वो लोकल होस्ट पे चलेगा पोर्ट 8100। तो मैं जल्दी से अपने ब्राउजर में यहाँ पे खोल लेता हूँ वो HTTP लोकल होस्ट और कॉलन लगा के लिखिए 8100/, एंटर करिए। एंड यहाँ पे आप देखिए आपका जनरेट ब्राउजर बिल्ड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जनरेशन स्टार्ट हुआ है। क्या जनरेशन स्टार्ट हुआ है आपको पहले बता देता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल तरीकों में। आपके सोर्स के अंदर ये जो ऐप फोल्डर होता है, ये सारा कोड आपका टाइपस्क्रिप्ट होता है और आपका पूरा ऐप होता है। जब आप इस पूरे फोल्डर को ब्राउजर में रन करना चाहते हैं तो वो पूरा टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड होता है आपका, वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होता है, क्योंकि हमारा ब्राउजर, हमारा जो ये ब्राउजर होता है, ये जावास्क्रिप्ट समझता है। तो उस प्रोसेस को ये एंगुलर ऐसे मेंशन करता है, जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स, और ये जनरेट हो गया। अब मैं इसको अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ देखिए आपको एक पेज मिलेगा, रेडी टू क्रिएट आवर ऐप स्टार्ट विद आयोनिक यूआई कंपोनेंट्स। ये वही कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे वॉक थ्रू में दिखा रहा हूँ। इसको जूम आउट करूँ थोड़ा 100%, तो आपको दिखेगा ये कैसा ऐप है इस तरीके से। आगे आने वाली वीडियोस में, और इसने ये एक सेपरेट और ब्राउजर खोल दिया, मुझे नहीं चाहिए वो। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं आयोनिक में, और हम कैसे आयोनिक को एज अ मोबाइल ऐप ट्रीट कर सकते हैं। आप प्लीज यहाँ तक इसको फॉलो अलॉन्ग कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ अभी तक इस चीज में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी सिखाता रहता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिकॉज मार्केट में बहुत महंगे होते हैं सब कोर्सेज, मैंने करे है, मुझे पता है कितना महंगा होता है। इसलिए मैं आपको सबको, पूरे अपने इंडियन भाइयों को और नेबरिंग कंट्रीज के जो भी मेरे भाई बहन है, सबको मैं ये कोर्सेज अच्छे से सिखाता हूँ, जिससे कि आप सब अपना फ्यूचर अच्छे से बना सके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।